भारती चौहान की मर्डर केस में विष्णु राज को कर लिया गिरफ्तार और मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है सदर अस्पताल। और मेडिकल जांच करवाने के बाद पुलिस ने फिर से अपने कस्टडी में ले चुका है विष्णु राज को। जब तक मालती चौहान की पता न लग जाए सच्चाई क्या है, बल्कि इसे विष्णु राज ने मारा है या किसी और ने मारा है, सच्चाई पता लगाने के लिए पुलिस ने विष्णु राज को अपने कस्टडी में लेकर रख चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बता दूं कि जब तक मालती चौहान की मौत की सच्ची पता न लग जाए तब तक विष्णु राज को जेल में रखा जाएगा। और इसी के साथ गोरखपुरिया भाभी बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी है, बोल रहे हैं कि विष्णु ने ही ये मर्डर किया है। और विष्णु बोल रहा है कि मुझे गलत आरोप में फंसाया गया है। लेकिन दोस्तों, जानकारी सच्चाई क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मालती चौहान की वजह से अभी जो है विष्णु राज यूट्यूब पे इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में था। लेकिन आप देखो, मालती चौहान आप लोगों के बीच इस दुनिया को छोड़कर ही चला गया। क्यों चला गया, किस लिए चला गया, सच्चाई जानने के लिए आज आप लोग इस वीडियो पर एंड तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों मालती चौहान की रूम अभी जो है लॉक लग चुका है, जिस रूम में उसका मौत हुआ था। जब तक मालती चौहान की सच्चाई का पता नहीं लगेगा तब तक उस रूम का लॉक नहीं खोला जाएगा। दोस्तों विष्णु राज कब तक जेल से वापस आएगा, उसका पिताजी बोला कि विष्णु राज का मर्डर मेरा बेटा नहीं किया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मालती चौहान सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।